सो गाइस हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि टेकन कोई अपडेट दे। सो फाइनली उन्होंने अपडेट दे दिया है, जहां वो लाने वाले हैं टेकन की एक एनिमे सीरीज जिसका नाम है टेकन ब्लडलाइन, जो नेटफ्लिक्स पर 2022 में रिलीज होगी। इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने टेकन ब्लडलाइन का एक छोटा सा टीजर भी डाला है। सो आज की इस वीडियो में हम उसी टीजर को ब्रेक डाउन करेंगे, तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो कर दो सब्सक्राइब, एंड अब इसी के साथ शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले टीजर में हमें जून और जिन दिखाई देते हैं, जहां जून अपने सन जिन को फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रही थी। एंड यहां आप जिन को देख ऐसा मत सोचना कि जिन सिंगल पसली, की जिनकी बॉडी नहीं लग रही है। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन अभी बच्चा है, जिसकी एज अप्रोक्स 15 साल है। एंड अगर आप यहां की लोकेशन देखो तो ये कोई फॉरेस्ट है, एंड में भी ये शायद याकुजुना का फॉरेस्ट है, जहां जून टेकन 2 में काजुया द्वारा प्रेग्नेंट होने के बाद चली गई थी। जिसके बाद हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन को कुछ लड़के बुली कर मारते हैं, जिससे जिन का ब्लड निकलने लगता है। एंड ये बुली करने वाले लड़के ये टेकन सीरीज के नहीं है, ये कोई रैंडम कैरेक्टर्स हैं। एंड इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में जून की आवाज सुनाई देती है, जहां जून जिन को अपने एंगर पर कंट्रोल करने को कहती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिन डेविल जिन को कैरी करता है। एंड ये बात जून को भी पता है, एंड अगर जिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो डेविल उस पर हावी हो जाएगा। सो जिन इसी बात को याद कर खुद पर कंट्रोल कर अटैक करता है, जिसके बाद स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है व्हेन डेस्टिनी कॉल्स। एंड ये मैसेज में भी जून या फिर जिन के लिए है, क्योंकि इसके बाद ही हमें सबसे शॉकिंग कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो था द गॉड ऑफ फाइटिंग ओगर, जो जून को मारने आया था, जिसे जून भी देख कहती है डीमन। जिसके बाद हमें ओगर अपीयर होता हुआ दिखाई देता है, और जून ओगर से फाइट के लिए रेडी हो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कि तभी दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर आप यहाँ के फाइट को देखो तो फाइट को काफी अच्छे एनिमेशन से दिखाया गया है। जिसके बाद हमें जिन भी दिखाई देता है, जिसे ओगर एक ही हिट मार साइड कर देता है। जिसके बाद ओगर जिन को मारने आगे बढ़ता है, कि तभी जून जिन को वहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि जून समझ गई थी कि वो ओगर को डिफीट नहीं कर सकती। एंड इसके बाद हमें सीधे वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ गेम में जून ने जिन से ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा के पास चले जाना, और जिन ऐसा ही करता है, जहाँ जिन अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। एंड में भी जिन के पीछे ये जो कैरेक्टर है ये गैनरियू है, बट अजीब बात यह है कि टेकन 3 में तो गैनरियू था ही नहीं। सो इस सीरीज में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो टेकन के अदर गेम्स में थे, बट फिर भी उन्हें इस सीरीज में ऐड किया गया है। एंड गैनरियू के आउटफिट को देख के लग रहा है कि गैनरियू हियाची के लिए काम करता है, मे बी बॉडीगार्ड का, क्योंकि गैनरियू टेकन 2 में भी काजुया के लिए बॉडीगार्ड का काम करता था। सो इसके बाद गैनरियू जिन को हियाची के पास ले जाता है, जहां हमें ये समझ आता है कि जिन अपने ग्रैंडफादर को अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बता ओगर से रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि ओगर ने जिन की मदर जून को जान से मार दिया है, ऐसा जिन को लगता है। बट हम ये बात जानते हैं कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, एंड वो अभी बस मिसिंग है। जिसके बाद हियाची जिन को फाइटिंग की ट्रेनिंग देने की बात करता है, एंड अगले सीन में हमें हियाची जिन पर अटैक करता हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिन ओगर से बदला लेना चाहता है। बट जिन अभी काफी वीक है, बट जिन ने हियाची से कहा होगा कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे फाइटिंग की ट्रेनिंग दी है। सो इसके बाद हियाची जिनकी फाइटिंग स्किल्स को चेक करने के लिए खुद से फाइट करने को कहता है, जिसमें जिन काफी आसानी से डिफीट हो जाता है। एंड यहाँ जिन भी समझ जाता है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ओगर को डिफीट कर सके, इसीलिए जिन हियाची से ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें काफी सारे कैरेक्टर्स के जल्दी जल्दी शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है पॉल फिनिक्स, जो टेकन 3 की स्टोरी लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि गेम में पॉल द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट 3 में पार्टिसिपेट कर ओगर को डिफीट कर देता है। बट पॉल को ओगर के सेकंड फॉर्म ट्रू ओगर के बारे में नहीं पता था, जिससे पॉल ये समझ वहां से चला जाता है कि अब वो टूर्नामेंट जीत चुका है। बट ओगर बाद में ट्रू ओगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे टूर्नामेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है। सो ये वही टूर्नामेंट का सीन हो सकता है, जहां पॉल ओगर से फाइट कर रहा है। जिसके बाद हमें ट्रू ओगर का भी सीन दिखाया जाता है, जो अपने मुंह से फायर अटैक कर रहा है। एंड ये सीन लास्ट का हो सकता है, जहां टूर्नामेंट के फाइनल में जिन और ट्रू ओगर फाइट करे। इसके अलावा ये मैक्सिको का भी सीन हो सकता है, क्योंकि हमने गेम में देखा था कि मैक्सिको के एक टेंपल से ओगर को जगाया जाता है, एंड इसके पीछे भी हियाची का हाथ था, जहां ओगर जागते ही मिशिमा सोल्जर्स को मार देता है। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है ना, उसे देख के मैं शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये कैरेक्टर है लेरॉय स्मिथ, जो टेकन 7 की डीएलसी में आया था। बट लेरॉय का टेकन 3 में क्या काम है, इसकी प्रिडिक्शन लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद हमें जून भी दिखाई देती है, जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि मे बी जून किसी टूर्नामेंट में है, बट द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट 3 में नहीं है। शायद ये जून की क्लिप द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट
2 की है, क्योंकि टेकन 2 में जून और काजुया के बीच क्या हुआ था ये भी दिखाया जा सकता है। इसके बाद हमें हिहाची, काजुया और हाफ डबल जिन दिखाया जाता है, मतलब कि इस सीरीज में काजुया भी होने वाला है। बट आई थिंक कि काजुया का इस सीरीज में ज्यादा रोल नहीं होगा, क्योंकि टेकन 3 में भी काजुया नहीं था। जहाँ हो सकता है कि काजुया को टेकन 2 के इवेंट में जून के साथ दिखाया जाए। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि इस सीरीज में डबल जिन को भी दिखाया जाएगा, जो कि गेम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडिंग थी, जहाँ हिहाची ने जिनकी हेल्प तो की थी ओगर को मारने में और जिनने ओगर को मार भी दिया, बट लास्ट में गेम में हिहाची जिनको धोखा दे उसे शूट कर देता है एंड तभी जिनका डबल जिन पहली बार एक्टिवेट हो जाता है। सो हो सकता है कि इस सीरीज में ये वही मोमेंट हो जहाँ जिन भी डबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग और जिन फाइट कर रहे हैं एंड में भी ये फाइट टूर्नामेंट में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जिन ने अपना गेम वाला कॉस्ट्यूम और अपने पावर ग्लव्स भी पहने हैं और हाँ अब जिनकी बॉडी भी बन गई है, जहाँ जिन ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुका है। एंड इसके बाद टीजर खत्म हो जाता है। सो गाइस ये तो था टीजर का ब्रेकडाउन। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो कि काफी सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि ये एनिमे सीरीज क्या होता है। सो मैं आपको बता दूं कि एक सीरीज है जो कि टेकन 3 फाइटिंग गेम पर बेस्ड होने वाली है एंड इसमें कई सारे एपिसोड्स होंगे जिससे हम टेकन 3 की स्टोरी को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, जिससे हमें डिटेल में पता चलेगा कि आखिरकार टेकन 3 में क्या क्या हुआ था। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये सीरीज टेकन द मोशन पिक्चर से जुड़ी हो, जो कि काफी टाइम पहले रिलीज हुई थी, जिसमें टेकन 1 और टेकन 2 के इवेंट्स हुए थे एंड ये सीरीज बेस्ड है टेकन 3 पर। सो हो सकता है कि ये दोनों ही एनिमे कनेक्टेड हो। इसके अलावा अगर आप इसके एनिमेशन को देखो तो ये काफी क्लीन और काफी एडवांस लग रहा है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इसके फाइटिंग एनिमेशन में इसकी डिटेलिंग दिख रही है। और यार देखो ये बस एक छोटा सा टीजर है, इसे हम ज्यादा जज नहीं कर सकते और टीजर के हिसाब से मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लग रही है। टीजर ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा। इसके अलावा इसकी रिलीज डेट अभी तक कन्फर्म नहीं की गई है, बस इतना कहा गया है कि ये सीरीज 2022 में रिलीज होगी एंड में भी जब इसका ट्रेलर आएगा तो उसमें इसकी रिलीज डेट भी कन्फर्म की जाएगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये टीजर कैसा लगा और कि आप लोग ये सीरीज देखोगे। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो भाई कर देना सब्सक्राइब। और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।